Politics erupts over the collapse of under-construction bridge on River Ganga in Bihar's Bhagalpur. Chief Minister Nitish Kumar pinned the blame on the firm tasked with building the bridge for shoddy work, saying that the company had not acted responsibly. BJP slammed Nitish-led government for corruption in Bihar and held Nitish Kumar responsible for this collapse. On Sunday, two parts of the Aguwani Sultanganj Bridge on the River Ganga collapsed one after the other. Visuals were caught on camera. The bridge was being constructed for the cost of over 1,700 crore rupees. That it also suffered some damage back in April 22 due to a storm. Bihar Chief Minister Nitish Kumar laid the foundation stone of the bridge 4 years ago, and the bridge is still in the making. हमारे ठीक पीछे की तरफ जो दूसरा हिस्सा है वो हिस्सा सुल्तानगंज की तरफ जाता है, लेकिन ये 10 नंबर पिलर से लेके 12 नंबर पिलर तक सब कुछ खत्म हो चुका है। सारा का सारा स्ट्रक्चर नीचे आ चुका है गंगा नदी में, और अब इस मलबे को हटाना भी एक बड़ी चुनौती है। और पुल का उद्घाटन जो है वो दिसंबर महीने में होना था इसी साल, लेकिन इस वक्त जो हालात है यहाँ पर देख करके, ये देखिए पूरा जो आधुनिक तकनीक होती है ब्रिज निर्माण के लिए पाइपिंग के जरिए, और इससे ही हैंग करके सपोर्ट दिया जाता है, वो स्ट्रक्चर भी नीचे है और हर तरफ यहाँ मलबा है लगातार। जो यहाँ स्थानीय लोग हैं वो हैं, लेकिन कंपनी के लोग जो हैं वो यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ एनडीआरएफ के एसडीआरएफ के जो टीम के लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, जिला प्रशासन के कुछ लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो एकदम नीचे आ चुका है, धराशायी हो चुका है। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशिभूषण। भागलपुर में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ, अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? अरे गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, एक साल पहले की बात है। अब फिर जब दो हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए, ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए। तंजी कैसे बन रहा है बिहार में इतना असुरक्षित पुल? सरकार कहाँ है, ठेकेदार कौन है, और कैसे हो रही है ठेकेदारी, और ये काम अब हो रहा है तो बिहार की सरकार को बड़ा जवाब देना पड़ेगा कि बनने के बाद गिरता, लेकिन बनने के क्रम में भी पुलें गिर जा रही हैं और बहुत चिंता का विषय है। पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो है तोड़े गए, और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, माननीय सदस्यों ने दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। 1700 करोड़ का ये पुल है और उसमें बार बार गिरना और ये नुकसान लोगों का हो रहा है, तो मैं तो यही मांग करूंगा कि इसकी जांच हो और जो इसके दोषी हैं, चाहे राजनीतिक लोग हों चाहे उसको बनाने वाले लोग हों, सबको दंडित होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा कार्य बार बार होता रहेगा और बिहार की जनता इसके लिए भुगतती रहेगी। मोरबी पुल हादसा भला कौन भूला है, अभी तो एक वर्ष भी नहीं हुए है, तब तो उस समय के गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, और भला बीजेपी को नैतिक बल नहीं है इस पर सवाल उठाने का, क्योंकि लंबे समय तक बिहार में पथ निर्माण विभाग बीजेपी के पास रहा है और ये सारा भ्रष्टाचार का खेल बीजेपी के शासनकाल का है।